इस वीडियो में हम शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनकी रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो देखते हैं हम इनका जीवन परिचय। तो इनका जन्म 13 जनवरी को 1911 को क्या देहरादून उत्तर प्रदेश, पहले देहरादून उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था पर अब जो है देहरादून उत्तराखंड में आता है, तो इसलिए इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड में हुआ। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी उन्होंने कहाँ से, देहरादून से की, स्कूल पी मिशन स्कूल से अपनी परीक्षा अपनी शिक्षा आरंभ की तथा 1928 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की इन्होंने। उसके बाद इनकी मृत्यु 12 मई को 1993 में अहमदाबाद में हुई। तो आपको बस खास बातों पर ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आरंभ हुई, इनकी और इनकी मृत्यु कब हुई, इन तीन चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यही हमें जीवन परिचय में लिखना है। हम इनकी रचना देखते हैं। रचनाएं में लिखना है कुछ कविताएं और कुछ कविताएं, पहले ही हमारे कुछ कविताएं, दूसरी रचना बनेगी कुछ और कविताएं। काल तुमसे होड़ है मेरी बात बोलो बोलेगी, क्या बात बोलेगी। तो आपको दो रचनाएं लिखनी केवल परीक्षा में, क्योंकि दो ही रचना पूछी जाती है, इसलिए आपको जो अच्छी लगे, जो आपको याद हो जाए, जो सिंपल लगे, आप जो रचना लिख सकते हैं इन चार रचनाओं में से। आगे हम इन पढ़ेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष में आपको लिखना है कि इनकी रचनाओं में प्रेम एवं सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है। जो उन्होंने अपनी कविताएं प्रेम पे से और सौंदर्य के ऊपर से लिखा है तथा इन्होंने साथ ही साथ प्रकृति चित्रण एवं इन्होंने अपने काव्य खंडों में क्या है, प्रकृति चित्रण एवं देशभक्ति की रचनाएं भी इनकी कविता में देखने को मिलती है। इन्होंने जो क्या करा है, जो अपने काव्य में क्या लिखा है, इन्होंने जो प्रकृति है उसका चित्रण किया है, देशभक्ति के ऊपर से इन्होंने रचनाएं लिखी है। तो हम इनका भाव पक्ष में क्या लिखना है हमें, कि इनकी कविताओं में प्रेम एवं सौंदर्य का भाव देखने को मिलता है तथा साथ ही साथ प्रकृति चित्रण एवं देशभक्ति की रचनाएं भी इनकी कविता में देखने को मिलती है, इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे कला पक्ष। कला पक्ष में लिखेंगे कि इन्होंने अपनी कविताओं में अलंकार छंदों का प्रयोग किया है। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में किन किन का प्रयोग किया है, अलंकार का, छंद का और भी क्या मुहावरों का प्रयोग किया है इन्होंने अपनी कविताओं में तथा इनकी जो इनकी भाषा है अत्यंत सरल और सरल दूसरी भाषा है इनकी बहुत ही जटिल भी है। तो इनकी भाषा कैसी है, अत्यंत सरल और जटिल है तथा इन्होंने अपनी कविताओं में वर्णात्मक शैली चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो इन्होंने अपनी कविताओं में
वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो ये हमें कला पक्ष में लिखना है। साहित्य में स्थान देखेंगे हम इनका। जो हमारे साहित्य में स्थान है वहाँ सभी का सेम ही लिखना है आपको। साहित्य स्थान में कुछ भी नहीं करना कि जो हमें बताना है इन्होंने कि जो शमशेर बहादुर सिंह का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। आप यहाँ एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, दूसरी लाइन ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य इनके इस योगदान के लिए हमेशा याद करता रहेगा। तो जो हिंदी साहित्य ने सदा ही स्मरण करता रहेगा। तो ये हमारा साहित्य में स्थान बन जाता है इनका। तो आप अच्छे से कंप्लीट करेगा तो आप इनके जीवन परिचय और रचनाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भाव पक्ष कला पक्ष का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद साहित्य में स्थान आएगा हमारा। ये साहित्य में स्थान है, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कंप्लीट करिएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान, तीन चार चीज़ें आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा।